नमस्ते, हमारा नाम प्रकाश साहूकार है। वैसे रिश्ते में हम इस घर के बच्चों के मामा लगते हैं। हम आपको एक ज्ञान की बात बताएं, अगर हमारी बात माने ना तो आदमी को शादी करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, शादी के बाद आदमी की हालत बद से बदतर हो जाती है, बिल्कुल मंदिर के घंटे की तरह। साला जब देखो कोई भी आकर मंदिर के घंटे की तरह टन से बजा के चला जाता है। कभी बीवी बजाती है तो कभी बच्चे बजाते हैं, कभी माँ बाप बजाते हैं तो कभी भाई बहन बजाते हैं, और आदमी मंदिर के घंटे की तरह टन 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 करता रहता है। और बाहर के लोग मजे रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हम ना अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारी शादी हमारी बीवी यानी कि नेहा जी से लव मैरिज हुई थी। हाँ, लेकिन सच बताए ना तो हम अपनी बीवी के परमिशन के बगैर चूं तक नहीं कर सकते। फिर मजाल है कि हम अपनी बीवी से पूछे बिना कोई भी काम कर सके। मतलब मछलियों को आटा भी देना होता है तो उनकी परमिशन से ही दे सकते हैं, क्योंकि कहीं घर वालों को रोटियों के लिए आटा कम ना पड़ जाए। अब क्या बताऊं, इसीलिए हम हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन घबराइए मत, अगर आपको अपनी जिंदगी में शादी के बाद अगर खुश रहना है तो बिना चू चपड़ किए जो आपकी धर्म पत्नी यानी कि आपकी वाइफ जो कहें सिर्फ हां में हां मिलाते जाइए। वो जब जो जहां जैसे कहें चुपचाप करते चले जाइए, तो बस आपकी जीवन की गाड़ी जीवन के नैया आराम से पार लग जाएगी। हाँ, आए, अब हम चलते हैं। हमारी मैडम जी यानी कि नेहा जी हमें पुकार रहे हैं। जयराम जी की बाकी ज्ञान की बातें फिर करेंगे। हाँ नेहा जी, आप बताइए। नहीं नहीं, हम आपके कपड़े धोने जा रहे थे। अच्छा, हम आपके लिए अदरक की चाय लेकर आते हैं। अरे आप खड़ी क्यों, आप बैठिए, हम आपके सिर पर मालिश कर देते हैं बढ़िया सी। हाँ,